बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बकरीद के लिए रेसिपी शेयर करूंगी। हम बनाएंगे बीफ कीमा कढ़ाई। आप चाहिए तो मटन से बनाइए, चाहे तो बीफ से बनाइए। मैंने हाथ का कटा हुआ जो मोटा मोटा कुटा हुआ होता है मैंने लिया बीफ का कीमा। 700 ग्राम मैंने बीफ ले लिया। कीमा उसका अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसमें बिल्कुल भी जो ब्लड वाला पानी होता है बिल्कुल भी नहीं रहे। अच्छे से वॉश कीजिएगा, ठीक है। बड़ी पे बनाइएगा, जल्दी बन जाएगी। हाफ प्याली मैंने लिया दही, बीट कर लिया। एक प्याले मैंने लिए टमाटो प्यूरी। प्यूरी यूज़ कर लेंगे तो बेहतर है। मैंने इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर की है, दोबारा वो पर आई बटन इसका दे दूंगी। तीन मीडियम साइज की प्याज लेके मैंने चॉप कर लिया, आप चाहें तो ऑमलेट कटिंग कर लीजिए। डेढ़ चम्मच मैंने टीस्पून ले लिया जी नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया जी धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया मोटा कुटा हुआ भुना हुआ, 1 टीस्पून सफेद जीरा मैंने भुना हुआ लेके उसका मैंने पाउडर बना लिया, क्रश कर लिया मर्जी अपने मर्जी के हिसाब से, ठीक है। एक लीजिए मैंने आधी टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लीजिएगा पाउडर नहीं लीजिएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिए लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, ये मेरी घर की बनी हुई है, इसको मैंने पाउडर बना लिया हुआ है हाथ से ही। 1 टेबलस्पून ले लिया जी अदरक और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने लहसुन, इनको भी मैंने क्रश कर लिया। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ले लें, एक लेमन ले लीजिए मीडियम साइज का, या अगर छोटे हैं तो 2 ले लिए, मैंने जरा बड़े साइज का एक लेमन ले लिया। अब हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले प्याज को फ्राई करते हैं। कढ़ाई कीमा बनाना है, ऑयल ज़रा ज़्यादा जाएगा इसमें, मैंने आधी प्याली से ज़्यादा ऑयल लेके उसे गर्म कर लिया। अब हमसे पहले प्याज डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, पिंक करना है प्याज को हमने। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसको मैं अच्छे से फ्राई करना है प्याज को, ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए और ये हल्का हल्का सा जो है ना फ्राई करने के बाद पिंक सा हो जाए। आपने डार्क कलर इसको नहीं देना, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी सालन में इसमें प्याज जो होता है ज़्यादा डार्क नहीं हो, वरना आपके सालन में जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ईद पे बनाई गई रेसिपी जल्दी बन जाएगी, तो मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं ऐसी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। गर्मी भी है आपको पता और ईद भी है, ताकि उसे कम टाइम आपको किचन में गर्मी में देना पड़े ना। फ्राई हो गई अच्छे से, अब हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक जो हमने इसमें कुटा हुआ था वो शामिल कर देंगे। कढ़ाई बनानी है तो कोशिश करें कुटा हुआ ही यूज़ करें, पेस्ट भी चल जाएगी नो प्रॉब्लम। इसको पीछे से कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करते हैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, लहसुन अदरक भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ का कीमा। कीमा इसमें डालने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसको इसमें फ्राई करेंगे, ताकि कीमे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से कीमा जो है ना इसमें फ्राई हो जाए और मिक्स हो जाए। कीमे को और प्याज को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि प्याज का और लहसुन अदरक का टेस्ट कीमे में अच्छे से आ जाए और कीमा जो है अच्छे से हमारा जो है ना फ्राई हो जाए। अच्छा से ज़रूर फ्राई कीजिएगा, एक स्मेल जो गोश्त की होती है वो फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया और कीमे ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने लिया है बीफ का और वो भी हाथ का कुटा हुआ कीमा है, ये मशीन का नहीं है। अगर तो आप मशीन का लेंगे तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिया है हाथ का कुटा हुआ, इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी पानी। अभी देखिए मैंने इसमें किसी भी किस्म के स्पाइसेस यूज़ नहीं किए, मैंने सिर्फ लहसुन अदरक और प्याज डाला है और कीमे के साथ, और मैंने कुछ शामिल नहीं किया। शुरू में आपने इसमें किसी भी किस्म का कोई मसाले जो है ड्राई वाले नहीं डालने, हत्ता कि आपने नमक भी इसमें शामिल नहीं करना। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी गलने के लिए। इसी पानी में कीमा गल जाएगा, फिर हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। अभी थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जी कीमा जो है ना हमारा गल गया है। अभी हमें इसमें डालना है ड्राई स्पाइसेस, अब इसमें सारे जाएंगे। नमक भी इसी में शामिल है, हमने पहले किसी भी किस्म के स्पाइसेस यूज़ नहीं किए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही का भी पानी होता है थोड़ा सा, तो इसलिए दही मैंने पहले डाला है कि अगर थोड़ी सी कीमे में कसर रह भी गई हो तो दही के पानी में वो सारा एडजस्ट हो जाता है। दही को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी सारा ड्राई हो गया, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर इसमें है, ज़्यादा नहीं है।
साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटो प्यूरी। प्यूरी पकी हुई है, इसमें किसी भी किस्म का पानी नहीं होगा, ठीक है। प्यूरी डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा सा इससे टेस्ट आता है प्यूरी से और कलर बहुत खूबसूरत आएगा आपके सालन का। ईद आ रही है तो प्यूरी बना के रख लीजिए फ्रिज में, नहीं ख़राब होगी, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। निकाला और डाल दिया और जल्दी पक जाता है, प्यूरी डालने से ना आपका जो खाना होता है जल्दी तैयार होता है और कलर बहुत अच्छा आता है आपके सालन में। बहुत मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं और कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। इसे मैंने डाला है घर का पिसा हुआ रेगुलर गरम मसाला, उसकी भी रेसिपी अब तक मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी मैं आई बटन दे दूँगी। आपको पता है कि बड़ी ईद आ रही है, बकरा ईद है, खूब मज़े मज़े के गोश्त के सालन बनेंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनेंगी, तो ये चीज़ें पहले से आप इससे पहले ही रेडी करके रख लीजिए। अब मैं इस तरह करती हूँ, इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर दम पर रखते हैं और फिर ये रेडी हो जाएगा। 10 मिनट्स हो गए हैं और कीमा हो गया हमारा रेडी, बहुत खूबसूरत कलर और माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग और यम्मी सी इसकी मुझे खुशबुएं आ रही हैं। लास्ट में हम इसमें डालते हैं ग्रीन चिलीज कटी हुई, मिक्स कर लेंगे इसे हल्का सा। ग्रीन चिलीज जो है वो अपने असली कलर में ही अच्छी लगती है सालन में, इसलिए मैंने बिल्कुल लास्ट में डाली है। और हमने जिसमें लेमन का निकाला था जूस वो इसमें शामिल कर देंगे। आज की हमारी कीमा कढ़ाई रेडी हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत ही डिलीशियस सी आज की हमारी बीफ कीमा कढ़ाई की रेसिपी रेडी हो गई है, तो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी और बड़ी ईद पे ज़रूर बनाइएगा, मज़े मज़े के खाने बनाए और इन्जॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अच्छी रेसिपी लेकर ज़रूर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।